नमस्कार, YouTube के मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही चुनिंदे स्टॉक के बारे में, जिन पे विशेषज्ञों ने अपने टारगेट प्राइस को घटाया है या कुछ स्टॉक का टारगेट प्राइस बढ़ाया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे किन स्टॉक के टारगेट प्राइस पहले की अपेक्षा बढ़ाए गए हैं तथा किन की पहले की अपेक्षा घटाए गए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नीचे दिए गए रेड बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं डायरेक्ट आपको वीडियो मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट की सेहत अच्छी नज़र नहीं आ रही है। निवेशकों के बीच मायूसी है, वे कमाई के अवसर तलाश रहे हैं। जून तिमाही में कंपनियों के निराशाजनक रिजल्ट ने इन अवसरों को और भी फीका कर दिया। जून तिमाही के नतीजों के बाद चुनिंदा बैंक, ग्रेफाइट उत्पादक और ऑटो कंपनियों के शेयरों के टारगेट प्राइस में बड़ी कटौती देखने को मिल रही है। कंपनियों के फाइनेंशियल रिजल्ट के अलावा बाजार पर आर्थिक सुस्ती, लिक्विडिटी संकट और इंडस्ट्री से जुड़ी कुछ मसले हावी नज़र आ रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स में छपे खबरों के अनुसार BSE 500 इंडेक्स में शामिल कंपनियों के शेयरों का विश्लेषण किया गया। उन कंपनियों के शेयरों को चुना गया जिन पर कम से कम 5 विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी हो। इस आधार पर इंडेक्स के 356 शेयरों को अलग किया गया, जिसमें से 227 शेयरों के टारगेट प्राइस को विशेषज्ञों ने घटा दिया है। इन दिनों का हावी स्टॉक जो है वो यस बैंक है, और यस बैंक के शेयर के टारगेट प्राइस को 51% तक घटा दिया गया है। इस शेयर पर 42 विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी है। जून तिमाही में इस निजी बैंक का नेट प्रॉफिट 91% तक घट गया। बैंक की आय तो कम रही ही, साथ ही इसने काफ़ी निराश भी किया। टेलीकॉम सेवा प्रदाता वोडाफोन आइडिया का नेट लॉस जून तिमाही में 4873 करोड़ रुपए रहा। यह कंपनी रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल को टक्कर देने की कोशिश कर रही है। इसके टारगेट प्राइस को भी 43% तक घटा दिया गया है। HEG और ग्रेफाइट इंडिया जैसी कंपनियों के शेयरों के टारगेट प्राइस को भी क्रमशः 36% और 35% तक घटाया गया है। सितंबर 18 में डंपिंग ड्यूटी को हटा दिया गया। इसके अलावा चीन से आयात बढ़ा है, इन कंपनियों को इसी की चोट लगी है। RBL बैंक, JK टायर, अपोलो टायर, स्कॉट, अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारत फोर्ज, आयसर मोटर, टाटा मोटर, TVS मोटर और मारुति सुजुकी इंडिया जैसी कंपनियों के भी औसत टारगेट प्राइस को 11% से 22% तक कम कर दिया गया है। ये वो स्टॉक थे जिनमें बिगर टारगेट प्राइस में कट किया गया है। अब आपके सामने वो स्टॉक लाने जा रहा हूँ जिसमें सबसे ज़्यादा टारगेट प्राइस इंक्रीज हुआ है पहले की अपेक्षा। तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं कौन कौन से ये स्टॉक हैं। तो सबसे टॉप पे है डालमिया भारत। डालमिया भारत के टारगेट प्राइस में 20.5% का इजाफा देखने को मिला है। जून तिमाही में कंपनी ने नेट प्रॉफिट 192% तक चढ़ा था। इसके अलावा कमजोर पड़ रही अर्थव्यवस्था के बीच जीवन बीमा कंपनियों के भी टारगेट प्राइस में इजाफा होने की उम्मीद है। HDFC लाइफ स्टैंडर्ड, SBI लाइफ इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस जैसी निजी जीवन बीमा कंपनियों के जून तिमाही के नतीजे काफ़ी बेहतर रहे। इन टारगेट प्राइस में 3 से 16% तक की वृद्धि देखने को मिली है। तो ये थे कुछ स्टॉक जिनमें विशेषज्ञों ने अपने टारगेट प्राइस
अप किया हुआ है, जबकि कुछ स्टॉक में टारगेट प्राइस डाउन किया है। ये स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त इसके अकॉर्डिंग हो सकते हैं। आपको बाय या सेल का डिसीजन लेने के लिए, अपनी होल्डिंग या पोजीशन बनाए रखने के लिए या फ्यूचर प्लानिंग के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया हो और आप सबके लिए हेल्पफुल रहा हो। वीडियो यदि आप सबको पसंद आया हो तो कृपया लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका तहे दिल से फिर से स्वागत है, धन्यवाद।